ये मैं ये बहुत देर से कह रही है कुछ क्या हो गया तेरे को स्वामी जी मैं बम्बई से आई हूँ हाँ। मेरा बेटा है छे हाँ। आठ महीने पिछले साल जून में इसको पेशाब की तकलीफ हुई तो डॉक्टरों ने बताया कि इसको किडनी फेलियर बता दिया राम। फिर सर दो तीन डॉक्टरों को बताया सबने यही बोला फिर बोले इनको कोई इलाज नहीं है और इलाज कराते कराते फिर पता चला कि डॉक्टरों ने बताया कि इनको मल्टीपल मैलोमा कैंसर बताया ओहो, स्वामी जी फिर तब से जो डॉक्टरों के चक्कर चालू भाई हुए बाईस कीमो कराया स्वामी जी फिर फेर फिर आप क्या हाल है स्वामी जी सब छोड़ दिया है सब चीज से परेशान हो गए लाखों रुपया चला गया उसकी हेल्थ एकदम ऐसा हो गया अठारह किलो वजन कम हो गया पिछले दो महीने से आपको टीवी पे देख के आपका सब चालू कर रहे हैं अब इसको बेटे को देना अब क्या फायदा बेटा दो महीने में तुमको आ, स्वामी जी नमस्ते, नमस्ते आ, स्वामी जी दो महीने पहले तो तीन महीने पहले तो पंद्रह मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाता था मैं कीमो के साइड इफेक्ट इतने खराब थे अब क्या हालत है सर अब अब मैं अपना कीमो अपना योगा कर रहा हूँ रोज सुबह उठता हूं। आपका चैनल पे लगाता हूं। आपका अब पंद्रह मिनट तक खड़ा नहीं हो सकता था अब तो तीन घंटा योग कर रहा है तुम तो। बिल्कुल क्या बिल्कुल। नाम बेटा अखिल अखिल चलो भाई अखिल के लिए एक बार सब प्रार्थना करो प्रार्थना का भी असर होता है पुरुषार्थ तो कर ही रहा बालक अखिल तुम कैंसर को जीत रहोगे बेटा ना हौसला रखो और योग करो और जो औषधियां उनको पूरा करना बेटा बिल्कुल बिल्कुल तेरा मल्टीपल माइलो में ठीक होगा बिल्कुल और ये मैं खाली कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हूँ ये मेरे पास एविडेंस है जी है ना ठीक होगा बेटा तो तो इसकी माँ बड़ी परेशान थी कि मेरा बेटा ऐसे जैसे इसने बेटी खोदी पटना वाली माता ने चार करोड़ रुपए भी खर्च कर दी और बेटी भी गई ऐसे ही ये एलोपैथी ये में नाइनटी परसेंट लोग ऐसे रेडिएशन क्यों में ऑपरेशन करा के मरते रहते तड़पते रहते बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा जा खुश रहते